हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं हरबीर सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह। तो दोस्तों, अगर आप हरियाणा से हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है कि हरियाणा में 2 दिन के लिए दोस्तों स्कूल बंद रहेंगे, सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों। 7 और 8 मई को भारी बारिश की आशंका, उसके साथ दोस्तों तूफान की भी आशंका जताई जा रही है। तो जिसके चलते रामविलास शर्मा जी ने स्कूलों को 2 दिन बंद करने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चे किसी भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें ना भेजें। दोस्तों, बता देना चाहता हूँ कि हरियाणा में हाई अलर्ट जारी कर दिया है कि अगर आप अपने बच्चों को भेजते हैं तो वो गलत है, क्योंकि ये सीधी चेतावनी दी गई है जिससे कुछ गलत ना हो। दोस्तों, बता देना चाहता हूँ कि 6 मई 2018 को एक निर्देश जारी किया था हरियाणा सरकार ने, शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी ने, कि हरियाणा में जो स्कूल हैं 7 और 8 मई को बंद रहेंगे, जिसका कारण बताया जा रहा है दोस्तों कि भारी वर्षा, तूफान, आंधी। तो दोस्तों, उसमें सीधे तौर पे लिखा हुआ है कि सरकारी और प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल सभी बंद रहेंगे। ये स्पेशल ये नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के लिए, दोस्तों ये सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों के लिए। तो अगर आपके बच्चे सरकारी या प्राइवेट स्कूल किसी में भी जा रहे हैं तो दोस्तों 2 दिन अपने बच्चों को ना भेजें। दोस्तों, वीडियो बनाना मॉर्निंग में इसलिए ज़रूरी पड़ गया कि आपकी फैमिली में जो भी बच्चे हैं दोस्तों, आपके आसपास जो भी है, तो आप उनको इन्फॉर्म कर दें। तो दोस्तों, ये वीडियो शेयर करें जिससे सभी को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो प्लीज़ स्कूल ना भेजें बच्चों को। धन्यवाद।